हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है फान। मेरा नाम मंसूर। सो गाइस, लेकर आ गए एक और नई वीडियो। इसमें जानने में आ रहा है कि भाई कुछ ही दिनों पहले वर्ल्ड की सबसे तेज गाड़ी बन गई है, और वो भी इंडिया में बनी और महिंद्रा ने एक्सपोर्ट की है। बिल्कुल यार, जो हाँ। कंपनी है पूरी दुनिया में छाई हुई है, छाई हुई है, और भाई वर्ल्ड की फेमस फास्टेस्ट जो सबसे स्पीड में गाड़ी होती है वो महिंद्रा ने बनाई है। बना लिए तो ये देखते हैं दुनिया की सबसे तेज गाड़ी। यार मेरे तो सोचते हुए भी हाँ ना, लोग कहते हैं कि यार ये कितनी, अभी देखो ना दुनिया कितनी बड़ी है। और यार देखो, अमेरिका जैसे मुल्क है, बड़े बड़े ममालिक है, वो नहीं बना पाए, इंडिया बना। इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड फास्टेस्ट कार मेक इन इंडिया महिंद्रा। पाकिस्तानी से रिएक्शन लिया जा रहा है। हाँ, पाकिस्तानी से रिएक्शन। हाँ, ये क्या कहते हैं? बिल्कुल। तो बिना किसी देरी का आनंद करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। आप आंखें दिखाते हैं, इसका हमें आंखें दिखाएं आपके, वो जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करें, उनसे कम्पीट करें। 2020-30 में जो है वो टोटली वो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रहे हैं, तकरीबन 80% मूव करेंगे इलेक्ट्रिक पे। हम वहीं पे है, प्राइस रेज है, गाड़ियों की कीमतें भी घरों के बराबर है। हाँ। अब 50 लाख का घर आ जाता है और 50 लाख की छोटी गाड़ी है। अब छोटी गाड़ी आल्टो ही ले लें आप, ये जो यही गाड़ी कम से कम 25-26 लाख की कस्टमर को पड़ती है। वो सोचता है यार मैं प्लाट ले लूँ अपने बच्चों का, बेटी का, बेटे का, कोई फ्यूचर बन जाएगा। हाँ। इंडिया हमारे से जीडीपी में भी और ग्रोथ रेट भी, उनका जो वैल्यूज है इकोनॉमिकल, वो बहुत आगे है। हम तो जीरो लेवल से भी नीचे चले गए हैं। और हमें वाकई ऐसा माहौल साजगार पैदा करना चाहिए कि लोगों का रुझान, जो इन्वेस्टर हैं आउट ऑफ कंट्रीज के, वहाँ यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो। हाँ। वीडियो काफी इंटरेस्टेड लग रही है। मैं हूं सना अमजद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर। नाजरीन, महिंद्रा ने दुनिया की तेज तरीन गाड़ी जो है मैन्युफैक्चर कर ली। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में बहुत सी गाड़ियां असेंबल तो जरूर होती हैं, लेकिन पाकिस्तान का अभी तक अपना कोई लोकल ब्रांड नहीं है गाड़ियों को लेकर। तो आज की वीडियो में हम इंडिया और पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जमान चौकत है। सर, महिंद्रा ने दुनिया की तेज तरीन कार मैन्युफैक्चर कर ली है। आपको पता है कि महिंद्रा पहले ही बहुत मुनासिब पैसों में बड़ी अच्छी गाड़ियां जो है वो तैयार करता था, और अब जो है उन्होंने दुनिया की तेज तरीन गाड़ी जो है मैन्युफैक्चर कर ली है। क्या कहेंगे, इंडिया कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, इंडिया जो है वो काफ़ी तेज़ी से कर रहा है। इलेक्ट्रिक कार जो है वो 2020-30 में जो है वो टोटल शिफ्ट हो जाएगा 80% में। 80% जो है कार मार्केट उनकी इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाएगी, और पाकिस्तान वही का वही खड़ा। हाँ। है रेज हैं पाकिस्तान में जितने भी प्राइस हैं कार के। सही बात है यार, आप देख लें मेहरान कार देख लें, जो 10 लाख के करीब आपको सेकेंड हैंड में मिल रही है, जो कि नई मैन्युफैक्चरिंग होना बंद हो गई है पाकिस्तान में। तो ऑल्टो की तरफ आप आ जाएं, 22 लाख की कार है, उसमें हमें फीचर कोई नहीं मिलता, एयर बैग कोई नहीं मिलता, जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसमें ना होने के बराबर है। मैं ये कहूंगा कि इंडिया को जो आप आंखें दिखाते हैं, इसका हमें आंखें दिखाएं आपके, वो जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करें, उनसे कम्पीट करें। 2020-30 में जो है वो टोटली वो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रहे हैं, तकरीबन 80% मूव करेंगे इलेक्ट्रिक पे। हम वहीं पे है, प्राइस रेज है, ठीक है, टैक्सी इतने ज्यादा इंक्लूड कर दिए गए हैं कि हम लोग जो है वो मार्केट में आने वाला परचेजिंग से रीसेल्स वैल्यू जो है, हम कोई भी कार ले लें, सारी ज़्यादादारी जो है वो होंडा पे है, ठीक है, उसके बाद टोयोटा पे है और सुजुकी पे है। कोई तीसरा माफिया आता भी है अंदर तो उसको आने नहीं दिया जा रहा है कि हम जो है वो कम्पीट कर सकें। इजी टू एक्सेस हो, लग्जरी कार हो, इलेक्ट्रिक हो, हम जो है ना नहीं कर सकते इसमें। सर, क्या वजह पाकिस्तान आज तक अपना एक भी ब्रांड जो है गाड़ियों के हवाले से नहीं बना सका? हमने आज तक यहाँ पर सिर्फ गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर की हैं, हमने कोई भी खुद से एक गाड़ी तैयार नहीं की, और अपना मुआवजा हम हर काम में इंडिया से करते हैं। हमने बिल्कुल सही कहा, हम वैसे इंडिया को आंखें दिखाते हैं लेकिन हर काम में इंडिया से पीछे हैं। इंडिया गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है, इंडिया कार मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, और हम आज तक जो है वो अपनी गाड़ियों के पार्ट्स भी नहीं बना सके। इस वजह से नहीं बना सके कि हम इकोनॉमिकली जो हैं वो डिमोलिश हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हैं, जो हम दुनिया जो यहाँ पे आके अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहती है, हम उसमें भी टैक्स मांगते हैं, हम उसमें भी जो है डीप पॉकेट्स मांगते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर पा रहे। हम यहाँ पे
इंटरनेशनल मार्केट को इंटरनेशनल कम्पीट ही नहीं कर पा रहे कि हम उन कंपनियों को अपने जो है वो ठेके दें, उन कंपनियों के साथ जो है इश्तराक करें कि जो कि पहले से ही सस्ती कार बना रही है, सस्ता हो सिस्टम। इसी वजह से हो सकता है कि हम अपने इंटरनेशनल मार्केट में जो इंटरनेशनल दोस्तों को आएं और कहें यहाँ पे यूनिट लगाएं और उन्हें बिजली सस्ती दें। हाँ। उनके जो हमारे जो टैक्स हैं बिजली भी बहुत महंगी है, उनको कम करें। यहाँ पर तो कोई भी इन्वेस्टर आने को तैयार ही नहीं, अपनी कंपनी लगाने को तैयार ही नहीं है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर जो भी बंदा आता है उसे सबसे पहले तो ट्रस्ट इशू है, वो यहाँ पर ट्रस्ट ही नहीं करता। और मैन्युफैक्चरिंग करना यहाँ पर, अपने यूनिट्स लगाना तो बहुत दूर की बात। ट्रस्ट इसी तरह पैदा होगा ना कि आप जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करें, आप अपना ट्रस्ट पैदा करें। ट्रस्ट कैसे पैदा होगा? आप अपनी जो हुकूमत है उसमें स्टेबिलिटी लाएं, आप अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ को रिवाइज करें। इसी वजह से ट्रस्ट नहीं करता ना कि उसको यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, उसको यहाँ पे सर हर बड़ी कंपनी हर बड़ा इन्वेस्टर जो है वो इंडिया में जाकर इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता। यही बात है, देखना नहीं पसंद करता कि इसके जो हालात हैं वो डे बाय डे जो हैं वो इकोनॉमिकली जो हैं वो डिमोलिश हो चुके हैं, इसके पॉलिटिकली भी जो है असरात हैं, 24 घंटे जो हैं वो सड़कों पे हैं, तो आपके मुल्क में कौन जो है वो आगे इन्वेस्टमेंट करेगा इस ऐसे हालात में? आप मुझे खुद ही बताएं कि जब एक हुकूमत जो है उसको चलने भी नहीं दिया जाएगा, दूसरा बंदा सड़कों पे आ जाएगा, पूरा इस्लामाबाद से लेके पिशावर से लेके लाहौर तक को आप ब्लॉक कर देंगे, ठीक है? तो ऐसे इशू में हर 6 माह बाद हर साल बाद एक हुकूमत चलती नहीं है, तो ऐसे इशू में इंटरनेशनल मार्केट कहाँ पे आपके पास आएगी? अपने आप को स्टेबल करें, इकोनॉमिकली भी करें, पॉलिटिकली भी करें, और अपने जो पॉलिसीज हैं उसे रिवाइज किया जाए, टैक्सेस को जो है वो रिवाइज किया जाए। आप देखें लग्जरी आइटम जितनी भी हैं उन पे उन्होंने टैक्स इम्पोज किया हुआ है, हत्ता कि हमारी अपनी कार है हम उसका जो है वो पार्ट इम्पोर्ट नहीं कर सकते। कोई चीज़ ख़राब हो रही है हम दीवार में की लगा के उसको वहाँ पे लगा रहे हैं, ताकि हम उसको इम्पोर्ट कर सकें, उनको चला सके। ये लग्जरी जो है इसको रिवाइज किया जाए, टैक्स को लग्जरी आइटम्स को आने दिया जाए, डॉलर के इवज़ जो है वो आप लोग जो हैं वो कम्पीट करें, तो फिर ये है कि आप इंटरनेशनल मार्केट आपकी तरफ देखे, इंटरनेशनल मार्केट को कुछ आपकी तरफ नज़र आएगा तो फिर वो करेगी ना। अगर उसे कुछ नज़र ही नहीं आएगा, उसे पता चलेगा मैं सुबह अपनी इंडस्ट्री ला रहा हूँ, शाम को ये डिस्टेबलाइज हो गए हैं, मेरे पे टैक्स कर दिए हैं, आगे मुझे नैब के चक्कर लगाने हैं, तो ये इसी तरह के हालात रहेंगे, फिर हम मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। अगर हम देखा जाए तो इंडिया में गाड़ियों की कीमतें भी बड़ी मुनासिब है। यहाँ पर आप देखें थक्कड़ सी थक्कड़ कार है ना, वो 10 लाख से ऊपर की है, यहाँ पर बंदा जो है गाड़ी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इसी वजह से अफोर्ड नहीं कर सकता कि अब मैं रिसेंटली स्कर्दू से होके आया हूँ, वहाँ पे नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ चल रही हैं, एक जो TX है TZ है वो 50,000 रुपये का वहाँ पे दस्तयाब है। जो ही हम अपनी हुकूमत को कहते हैं वहाँ पे 300 गुना 600 गुना टैक्स लगा रहता है, वही 35,000 रुपये का, वही जो 10 लाख रुपये की गाड़ी NCP पे सवात में चल रही है, स्कर्दू में चल रही है, GB में, गिलगित बल्तिस्तान में चल रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि वो वहाँ से मंगवाते हैं, वहाँ पे चला लेते हैं, उन्हें कोई टैक्स वगैरह नहीं देने चाहिए। मैं बार बार यही कहूँगा कि हुकूमत को अपनी पॉलिसी को रिवाइज करना चाहिए, ताकि जो है वो मार्केट में हम कम्पीट कर सके, ताकि हम जो वो टैक्स है वो कम दें, चक्कर ना लगाने पड़े ज्यादा। 600 गुना हम टैक्स देंगे तो हम लग्जरी ना तो इंडस्ट्री यहाँ पे ला सकेंगे, ना लग्जरी जो है वो कार हम यहाँ पे खरीद सकेंगे। महिंद्रा ने दुनिया की सबसे तेज तरीन कार जो है मैन्युफैक्चर कर ली है, और अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान का अभी तक कोई अपना ब्रांड नहीं है। यहाँ पर गाड़ियाँ सैम्बल तो होती हैं, वो भी बड़े महंगे दामों आवाम को मिलती है। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, वहाँ पे हर आदमी जो है इजीली कार अफोर्ड कर सकता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का कोई भी मिडिल क्लास जो बंदा है वो कार लेने के लिए 100 दफ़ा सोचेगा कि वो कार ले या फिर घर। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? आप इंडिया की और पाकिस्तान की अगर बात करते हैं ना, तो हमारा मुल्क तो बहुत पीछे है। अगर मैं ये कहूँ ना कि हमारा मुल्क पाकिस्तान से भी पीछे है, पाकिस्तान ही नाम है हमारे मुल्क का, तो ये भी कहना एक हैरानकुन होगा कि पाकिस्तान से भी पीछे है हमारा मुल्क। तो इंडिया की जो बात करते हैं वो दुनिया की नंबर तीसरे नंबर पे मौशियत आती है, तो वहाँ पे आप गाड़ियों की बात कर ले, कोई भी चीज़ ले लें उनकी, वो माशाल्लाह तरक्की कर रहा है, ठीक है, वो हिंदू है वो तरक्की कर रहा है, ठीक है, वो मेहनत कर रहे हैं तो तरक्की कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला भी कहते हैं। हमारे मुल्क की बात आप करें तो वो आपकी बात ठीक है, गाड़ियाँ इम्पोर्ट होके आ रही हैं, ये जापानी गाड़ियाँ आती हैं इनके मैकेनिक नहीं मिलते, सामान नहीं मिलता, तो गाड़ियाँ कहाँ से मैन्युफैक्चर होंगे? मेरे कहने का मतलब समझे ना आप, क्यों हमें मैकेनिक नहीं मिलते, पार्ट्स नहीं मिलते, पार्ट्स भी हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, और वो अच्छी खासी कीमत होती है उन पार्ट्स की भी, उतने की गाड़ी होती है उतने की पार्ट्स की कीमत होती है, पार्ट्स मिलता नहीं है। तो हमारे कोई दोस्त है जापानी गाड़ी को काम करते हैं, तो वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन अब इम्पोर्ट बंद है, हर चीज़ बंद है, काम कहाँ से? मैं तो यही कहूँगा थोड़ी सी मेहनत की जाए, हम लोग आप लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी मेहनत करें ना, तो अल्लाह ताला शायद हमें हमारे मुल्क को किसी तरक्की की राह पे ले ले। आप कोई भी सेक्टर ले लें, तमाम वैसे तो तरक्की करना मुश्किल है, ज़राअत का ले लें,
गवर्नमेंट का ले लें, सियासत का ले लें, जहाँ जो जमहूरियत कहते हैं वो भी नाकाम ही है। सर वैसे बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का कोई भी एक सेक्टर नहीं है जिसमें हम कहें कि पाकिस्तान आगे जा रहा है, और ये देखकर ये जानकर दुख होता है कि इंडिया हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वो लोग चांद पर पहुँच गए हैं और हम जो है अपने मुल्क में गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास जो तबका है वो सोचता ही है कि सारी जमा पूंजी जमा करके या तो वो अपना घर ले ले या फिर वो गाड़ी ले ले। ऐसे ही है, आप सही कह रहे हैं, गाड़ियों की कीमतें भी घरों के बराबर है। अब 50 लाख का घर आ जाता है और 50 लाख की छोटी गाड़ी, आप छोटी गाड़ी आल्टो ही ले ले आप, ये जो VXL है यही गाड़ी कम से कम 25-26 लाख की कस्टमर को पड़ता है। बिल्कुल, वो सोचता है कि यार मैं को प्लाट ले लूं, कितने ज्यादा वो टैक्सेस आ जाते हैं, कोई फ्यूचर बन जाएगा। तो इस हवाले से मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की दे, कोई नेक हुक्मरान दे। सबसे पहले तो हमें खुद को ठीक होना चाहिए, तो फिर कोई नेक हुक्मरान निकलेगा, तो अल्लाह करे कोई हम भी ठीक हों, कोई नेक हुक्मरान आए, हम में से कोई हुक्मरान आए जो गरीब गुरबत से उठा हुआ हुक्मरान आएगा ना, तो मुल्क के बारे में सोचेगा। सही बात, मीडिया पे बात कर रही है गाड़ियों की, तो मोदी जो है वो सुना था चाय बेचता है, अखबार बेचता है। अब वो जब चाय बेचता था उसकी मैंने इंटरव्यू सुना हुआ था कि साथ वो कस्टमर को अखबार देता था, फैसिलिटी देता था ना कोई ना कोई। ऐसी तरह हम भी जो काम करते हैं हमें चाहिए कि हमें कोई ना कोई साथ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ऐसे हुक्मरान हमें भी मिले। हाँ, पीएम मोदी जैसे, सही बात है भाई, कीमतों का ही यार। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई। तो यार इस भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है, कहता है हमें पीएम मोदी जैसा मिले हुक्मरान जो गुर्बत से उठो, गुर्बत से। सही बात है, जो हमारे जज्बात को मतलब एहसास हमारा करे ताकि वो मुल्क को आगे लेके जाए। क्यों अफान भाई? बिल्कुल यार, हाँ। सही बात है, मोदी जी जैसे जो है ना हमें भी मिले तो क्या सही बात है भाई, सोना पाकिस्तान से कहां पहुंच जाएगा। सही बात है, और वो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये तो इंडिया तक तो पहुंच ही नहीं सकता है। एक बात ये है कि यार इंडिया बहुत आगे पहुंच चुका है, इंडिया और पाकिस्तान। वही बात है कि 50 लाख का वो हम घर ले ले, घर ले ले, कार ले ले बच्चों के लिए, बंदा यानी गाड़ियां इतनी महंगी हो चुकी हैं, स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे पाकिस्तान। सही बात है भाई, वो भी अभी पहले इम्पोर्ट होते थे, अभी वो भी नहीं मिल रहे हैं, जो है वो तो इतने ज्यादा गाड़ियों से महंगे मिल रहे हैं। और इंडिया में आप चेक करो जो इलेक्ट्रिक कार्स तक आ गई हैं, इतनी तरक्की कर चुके हैं अपने जो है ना गाड़ियां बना रहे हैं, हब बन चुका है पूरा हब। मेन चीज ये है ना, इस भाई ने एक और बात भी बोली है, कहता है हम सबसे पहले अपने आप को ठीक करें फिर मुल्क को ठीक करें। अभी हम खुद ही ठीक नहीं तो मुल्क को कैसे ठीक करेंगे। सही बात है, यही बात है कि यार इंडिया वाले खुद ठीक हैं, इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छा मतलब इखलाक है उनका सारा कुछ, और तो इस वजह से वो आगे तरक्की कर रहे हैं। सोचते हैं ना यार, हर बंदी की सोचते हैं, अभी वो क्यों महंगी नहीं बेच सकते। बिल्कुल, वो हर टैक्सेस आप देखो, एक गाड़ी की टैक्सेस कितनी ज्यादा है। सही बात है, बिल्कुल। तो यार हमें इसमें बहुत ही इंटरेस्ट हुआ ये सारा कुछ देखकर, अपने ऊपर बहुत दुख हो रहा है कि यार हमारे हुक्मरान कैसे आ गए। बिल्कुल यार, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।